प्रकृति प्रेमी मित्रों, ये जंगली मुर्गा उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र के राजाजी नेशनल पार्क का है, जो मेरे पार्क में रोजाना आता है। ये पार्क राजाजी नेशनल पार्क और शिवालिक की पहाड़ियों से लगती सीमा पर स्थित है। आज ये अकेला ही आया है और काफ़ी समय बाद मैंने देखा कि ये बहुत सुंदर तरीके से पार्क में अपने शरीर के सफाई में करने में व्यस्त है और अपने पंखों की सफाई करने में लगा है। इसने पहले दाना चुगा, उसके बाद पार्क के कोने में खड़े होकर काफ़ी देर से सफाई करने में लग गया। तो मुझे इसका इस तरह से इत्मीनान से देखना और कैमरे में कैद करने का मन हुआ कि ये खूबसूरत मुर्गा अधिकतर अपनी मुर्गियों को साथ लेकर आता है। कभी 5 लेकर आता है, कभी 7 लेकर आता है, कभी इसके साथ मैंने 9 मुर्गियों को साथ लाते देखा है। उन सभी को ये ताकतवर मुर्गा अपने कंट्रोल में रखता है। आप आगे इसकी रानियों के साथ खूबसूरत दृश्यों को जरूर देखिएगा जब ये अपनी मुर्गियों को साथ लेकर आता है। बीच बीच में ये पंख हिलाकर दूसरों को मुर्गों को चेतावनी भी देता है कि तुम मेरी मुर्गियों को आँख उठाकर भी देखने की कोशिश मत करना। अगर कोई मुर्गा ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश भी करता है तो उसको ये मुर्गा भगा भगा कर बहुत दूर तक ले जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देखोगे, फिर वापस आकर पंख हिलाता है और मेरे से ज़्यादा ताकतवर यहाँ कोई नहीं है। मुर्गियाँ भी ताकतवर नर के साथ रहना पसंद करती है जो उसकी पूरी सुरक्षा दे सके। मुर्गे के बगैर पूछे कोई मुर्गा मुर्गी इधर उधर नहीं जा सकती। किसी भी मुर्गी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इस नर मुर्गे के साथ और भी मुर्गियां हैं, इससे उनको कोई जलन नहीं होती। ये मुर्गा बीच बीच में बांग देकर भी अपनी उपस्थिति देता रहता है कि मैं यहाँ हूँ। कभी कभी दूसरे क्षेत्र का मुर्गा पार्क में इसके आने के समय पर गलतीवश आ जाता है तो इसकी ज़बरदस्त भिड़ंत हो जाती है, जिसे भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों हार मानने को तैयार नहीं हैं। आखिर में ये ताकतवर मुर्गा ही जीतता है। इस जाति के मुर्गों को यहाँ स्थानीय भाषा में कुकड़ा भी बोला जाता है। मुर्गों का शिकार यहाँ के जंगलों में शिकारी भी चोरी चुपके शिकार करते रहते हैं। बाज़ार में इसकी कीमत हजारों रुपये में है। पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक ठंड होने के कारण इस मुर्गे का पहाड़ी लोग जमकर शिकार करते हैं। बर्फ के दिनों में पहाड़ी मुर्गे गाँव की ओर रुक करते हैं, जिससे इनका शिकार बड़े आराम से हो जाता है। बर्फीले गांव के लोग इनको इसलिए ठंड के दिनों में इनका शिकार करते हैं जिससे शरीर में गर्मी पैदा रहे और अत्यधिक ठंड से बचा जा सके। जंगली मुर्गे रात में पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं, दिन में ज़मीन पर अधिकतर रहते हैं। जंगली खतरा होने पर काफ़ी लंबी उड़ान भर लेते हैं, जबकि पालतू मुर्गे उड़ने में उतने सक्षम नहीं होते। खूबसूरती में जंगली मुर्गा ही सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। इस पार्क की खूबसूरती प्रकृति के बीच रहने वाले जंगली जीव ही संवारते हैं। ये ऐसे आते हैं जैसे इनका ये अपना घर हो। यहाँ रात में बारहसिंगा, लेपर्ड, गुलदार, जंगली सुअर, श्याल, शिवाय, बराड़, अजगर, सांप और पार्क के अनगिनत पक्षियों के घोंसले जो अपने अपने सीजन में यहाँ आते हैं और अपनी नई पीढ़ी को बढ़ा कर यहाँ से माइग्रेट होकर निकल जाते हैं। विश्व में कहीं भी आप ऐसा दृश्य नहीं देखोगे कि आपको जंगली मुर्गे इतने खुले में कभी दिखाई देंगे। ये जंगलों में भी चोरी छिपे पेड़ों में या झाड़ियों में दिखाई देते हैं, खुले में कभी नहीं दिखाई देते। लेकिन मैंने इनको जंगल से बड़े प्यार से दाना डाल के यहाँ तक पहुँचाया है कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तुम आओ, तुम्हारा कोई यहाँ शिकार नहीं कर सकता मेरे रहते हुए। इसलिए इनको विश्वास है कि मैं इनको कभी भी नहीं मारूंगा और ना ही किसी को मारने दूंगा। बहुत से लोग इनको मारने की फिराक में रहते हैं, कहते हैं यार देखो एक मुर्गा दे दो, तुम्हें जो कीमत चाहिए तुम्हें वो मिल जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ ये भी हमारी तरह जीने के अधिकारी हैं, इनको भी जीने का अधिकार है। कोई भी इस दुनिया में कोई भी जीव पैदा होता है, कोई मरना नहीं चाहता, उसको अपने क्षेत्र में अपनी जीविका में सबको आनंद आता है। चाहे वो जंगल में रह रहा हो, चाहे वो पेड़ पर रह रहा हो, चाहे वो धरती के नीचे रह रहा हो, सब जीना चाहते हैं और अपनी बिरादरी में खुश रहना चाहते हैं। तो हम क्यों इन जीवों का शिकार करते हैं? मैं यही सबसे विनती करता हूँ, इन खूबसूरत जीवों का संरक्षण करो। अगर जंगल रहेंगे तो ये भी रहेंगे, ये रहेंगे तो हमें हर तरह की आबोहवा, इनके खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे कि ये एक दूसरे को खाकर जंगल में जिंदा रहते हैं लेकिन फिर भी खुश रहते हैं। ये इनकी खूबसूरती है। धन्यवाद मित्रों, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा।